तो आज मैं बनाने वाला हूँ लाखों रुपए का अपना ड्रीम गेमिंग स्टूडियो। पहले हम लोग कुछ इस टाइप की इकोस्टिक फोम को बस यहाँ से इसको ग्लू को इसको निकालना है और भाई लिटरली इसको ऐसा का ऐसा दीवार पर ऐसे चिपका देना है। ऐसा ही मैंने सेम ऐसी ये पूरी पूरी लाइन बना दी है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज होती है गेमिंग स्टूडियो में। देखो आज से 2 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब लिटरली मेरे पास सिर्फ ये वाला एक लैपटॉप था और मैं अपना गेमिंग सेटअप बता कैसे बनाता था। इस लैपटॉप को एक टेबल पर रख लिया और उसके दोनों साइड में अपने प्ले बटन्स को कुछ इस टाइप से रख देता था भाई, लिटरली वही मेरा सेटअप था। बट आज हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक ड्रीम गेमिंग स्टूडियो। देखो पहले प्ले बटन्स यहाँ पर लगाने वाले हैं हम लोग। मैंने अपने प्ले बटन्स में देखो कुछ इस टाइप की फोटोज में फ्रेम करवा लिया इनको, भाई लिटरली बहुत गजब लग रहे हैं ये। एक बार आप इस गोल्डन प्ले बटन को देखो कितना गजब लग रहा है अभी, क्या साइनिंग दे रहा है। इनको लगा के देखते हैं, इस वाले को बस हमें यहाँ से फिट करना है, गजब लग रहा है। अब बारी है इसकी, ये तो भाई इसमें बहुत ज्यादा वजन हो गया, ये हेवी हो गया एकदम। ओह माय गॉड, यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ इस टाइप की लाइट लगवा ली है चारों तरफ, जो एकदम नेक्स्ट लेवल तरीके से जलती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है गाइस। मैं चला के दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने फाइनली बोर्ड में के वायर्स लगा लिए है और अब देखना आप लोग इनका लुक। अभी देखो सिंपल सा लुक है, जैसे ही मैं ये दबाता हूँ भाई साहब जो लग रहे हैं, देखो एक बार इनकी फिनिशिंग देखो, इनके अंदर लाइट देखो, क्या गजब लग रहे हैं यार। तो कैसे अपने स्टूडियो को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, जब से मेरे पास जितने भी चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें। सबसे पहली चीज है हमारे पास ये ट्राइपॉड, तो ऐसे हो जाता है और अपनी वीडियो मस्त तरीके से शूट कर लो। मेरे पास दूसरा आइटम है ये कमाल की रिंग लाइट, तो लिटरली भाई काम तो क्या आती है आप सबको पता ही है, ये मेरे फेस पर कंप्लीट ऐसे से ये बना रहे हैं। अब हम लाने वाले हैं इस सेटअप की जान, मतलब हमारा प्यारा टेबल जो हमें बहुत प्यारा भाई, लिटरली सेटअप में जान भर के रख देता, देखना एक सेकंड के लिए। ओके तो भाई ये है अपनी जान सेटअप की, देखो इसको लगाते हैं हम लोग ऐसे करके, भाई साहब क्या गजब की लुकिंग आ रही है इसमें। इसके बाद में हम लोग लिटरली इसकी इसकी और इन सारे बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग करेंगे, सारे बॉक्सेस की अभी ही अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इनमें काफी कमाल की चीजें हैं और भाई ऐसे तो पूछो ही मत इनमें कितने पैसे लगे हो ना, लिटरली लाखों रुपए का माल आपके सामने पड़ा हुआ। और नेक्स्ट है अपनी ये कमाल की गेमिंग चेयर। भाई लिटरली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था आज से 1-1.5 साल पहले, तब मेरा ड्रीम था कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक ड्रीम गेमिंग चेयर रखूं, बट उस टाइम तो नहीं हो पाया। बट आज मेरे पास बहुत ही कमाल की गेमिंग चेयर है, ये सिर्फ बैठने में ही काम नहीं आती है, इसको हम लोग लिटरली यहाँ से इस वाले एंगल से ऐसे करके इसको ऐसे वापस भी कर सकते हैं हम लोग। और एक और इसकी सबसे खास बात, ये जो चीज है उसको हम ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं, ये है ऐसे करके ऐसे ऐसे। भाई साहब अपना आराम से फोन चलाते रहो, कुछ भी करते रहो बस मजे से। अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा होगा बट मुझे अभी भी ये नॉर्मल लग रहा है। इसमें पैसे लगेंगे बहुत सारे, हाँ इतने सारे पैसे लगने वाले हैं इसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो ओके देखो मैंने लिटरली इस लैपटॉप से स्टार्ट किया था, इसको मैं भूल तो नहीं सकता, तो इसको भी यहीं पर रख लेता हूँ। बट अब बारी है अनबॉक्सिंग की अपने सबसे प्यारे इस बॉक्स की। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या निकलेगा, आप लोग अगर गेस कर सकते हो तो कमेंट कर देना, बाकी मैं बताता हूँ इसमें क्या है। चलो आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ ना, बताना क्या। ओके भाई साहब इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई, लिटरली ये सबसे बेस्ट चीज है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है, देखो। और ये है अपना भाई साहब, देखो ये है सैमसंग की तरफ से आने वाला अपना 4K मॉनिटर गेमिंग सेटअप के लिए। मैं इसमें बहुत सारी गेमिंग करने वाला हूँ। 28 इंच का ये मॉनिटर है जो मैंने मंगाया अपने गेमिंग स्टूडियो के लिए। चलो इसको लगा के देखते हैं कैसा लगता है भाई अपने सेटअप में। तो अब बारी है इस बेस्ट वाले गेमिंग सीपीयू की। भाई लिटरली ये इतना सा बॉक्स आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, मतलब ये चीज अलग चीज है। इसके अलावा अगर इस चीज को हम लोग देखें, ये पूरा 1 से 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा। ओके तो चलो अब इसको निकाल के देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या चीज। भाई निकल जाए यार, बस हवा निकल गई। ओके एक और ट्राई। ओ भाई साहब ये है अपना बीस्ट वाला सीपीयू। हो चलो इसको साइड में फेंकते हैं। और ये है अपना सीपीयू। अपनी नई चीज लेके आते हैं हम लोग घर पे, उसकी सबसे बेस्ट चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखो इस वाले को देखना,
साहब ये सबसे बेस्ट चीज होती है मेरे हिसाब से। फाइनली अभी अपना सिर्फ और सिर्फ आधा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, चेयर हो गई, अपने पास बीस्ट वाला गेमिंग पीसी बिल्ड करवा लिया हमने अभी के अभी, बट अभी भी हमारा आधा ही सेटअप कंप्लीट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग जो करने वाले हैं। अभी इसके साथ में मिले हैं ये इतने सारे वायर्स, तो चलो इनको लगा के हम लोग इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, फिर इन सब की बारी और हमारा आधा ही कंप्लीट हुआ अभी सेटअप ऑन करके दिखाने वाला हूं। पर उससे पहले तीन चार चीजें हैं मेरे पास बेसिक सी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वायरलेस कीबोर्ड जो मैंने इसके लिए मंगाया, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें इसमें करनी है, तो उसके लिए मैंने अपने वायरलेस कीबोर्ड मंगा लिया है। तब तक के लिए ये अपने पास यूट्यूब वाला जो अपना डायरी है वो है, के बाद ये छोटा सा एक स्पीकर लेके आया हूं मैं इसके साथ, ये है अपना स्पीकर, और ये जो चीज है आपको ऐसे ही नजर आ रही होगी, बट इसमें है अपना ये वाला माइक, और इससे हम लोग लिटरली बहुत ही ज़्यादा क्लियर वॉइस रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये अभी मैं जैसे लाइव स्ट्रीम करूँगा, गेमिंग वगैरह करूँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ओह, तो अभी मुझे याद आया कि मेरा माउस जो है इसमें पड़ा हुआ है। हाँ, ये रहा अपना माउस, और भाई ये जो ड्रॉर है इसमें मैं काफ़ी सारी अपनी एसेसरीज रख देता हूँ। इसको हम लोग चला के देखते हैं कि ये कैसा चलता है, हमारा बीस्ट वाला गेमिंग सेटअप कैसा चलता है। यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं, जैसे ही भाई ये दबाया, ओह माय गॉड, इसके कलर्स देखो, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, इधर आओ भाई साहब, क्या प्रीमियम क्वालिटी की चीजें हैं, लिटरली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस वाले लैपटॉप से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास अपना ये कमाल का स्टूडियो बना लिया। ओके, तो भाई अब मैं आपको बता दूं, ये था अपना सेटअप, आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट में। बाकी अपने भाई के इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको भी कभी ये बनाना तो भाई लिटरली आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि ये वाला सेटअप आपको कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @jatfyt, और हाँ डिस्क्रिप्शन से जूपी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।